स्टूडेंट्स, सो टुमारो दैट इज 8th of August, बहुत इंपॉर्टेंट डे आप सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस बार WBC एग्जाम दिया है और वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज कल आपको सेकंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया और जो भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ था, आई होप कि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो नहीं, सेकंड राउंड में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, आप काउंसलिंग से ऑटोमेटिकली बाहर हो चुके हो सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। और अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दी हुई है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बार आप मॉपअप राउंड में प्रोसीड कर पाओगे, मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और अगर आपने कुछ नहीं किया फिर भी आप मॉपअप राउंड में जा सकते हो, ठीक है। सो मॉपअप राउंड का तो पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया, जस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मॉपअप राउंड का पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है। सो जैसे ही सेकंड राउंड का आपको आ जाएगा ना पूरा रिजल्ट, तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद कॉलेज में जाके आपको एडमिशन कंप्लीट करना है। जिसको पहली बार अलॉटमेंट मिलेगा, फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, मैं बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूं, अगर पहली बार अलॉटमेंट मिल रहा है तो आपको सारा काम एक साथ कराना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन साथ साथ करना है। लेकिन जिन भी स्टूडेंट को दोबारा अलॉटमेंट मिल रही है, मतलब पहली बार में अलॉटमेंट मिला था, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट सब चीज आगे कंप्लीट कर दिया, दोबारा मिल रहा है ना, तो अब आपको पहले वाला प्रोसेस कुछ भी नहीं करना, अब आपको सिर्फ कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। अब दो चीजें होंगी, या तो पिछला ही वाला अलॉटमेंट मिला होगा तो उसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेना है, अगर कोई नया अलॉटमेंट मिला है ना तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर फिर से जाके वहां डॉक्यूमेंट वगैरह कराना पड़ेगा, कि नहीं आपको जाके वहां पे एडमिशन लेना है। नया भी अलॉटमेंट मिलता है तो वहां जाके एडमिशन ही लेना है, ठीक है। और जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 दी थी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, वो आपको कोर्स फी में मैनेज हो जाएगा, मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर फी होगा उसमें मैनेज हो जाएगा, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट जिनका रैंक अच्छा नहीं आया, बहुत लोअर रैंक आ गया, चॉइस फिलिंग में गलती कर रखा है उन्होंने, मैंने उनके लिए भी इन्फॉर्म कर रखा है पर्सनली एक वीडियो करके, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आपको फिर भी कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता ना, मान के चलो कोई कॉलेज फिर से अलॉट नहीं होता या फिर कोई अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं होता, तो आप मॉपअप राउंड में अपने आप को ट्राई करना, मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना, ट्राई करना, फिर भी कोई कॉलेज नहीं मिलता आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आपको डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट करना है और अपना जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा, ठीक है। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो मैं बिल्कुल सजेशन दूंगा कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो यहाँ के अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, और अगर नहीं एफोर्ड कर सकते तो मैं आपके साथ हूँ, इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा और नेक्स्ट ईयर WBJEE में आपका अच्छा रैंक दिलाने की ना गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। सो प्लीज चैनल पर बने रहना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कल लाइव सेशन में मिलते हैं, जैसे ही आपको रिजल्ट आएगा मुझे जानना भी दो आपसे कि कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच आपको अलॉट हुआ, ओके। सो कल मिलते हैं लाइव सेशन में, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज कीप शेयरिंग, ओके, थैंक यू।